जया तो नौकरी की जंग आक्रोश और बंद। नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। जी हां, अग्निपथ योजना पर भड़के विरोध और हंगामे के बीच देखिए, केंद्र सरकार ने थोड़ी रियायत का ऐलान तो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है और लगातार आज चौथे दिन भारी उग्र प्रदर्शन जारी है। विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर लोग हैं और आरजेडी ने बिहार में बंद बुलाया है और सुबह की शुरुआत हुई ट्रक में आग लगाने के साथ, बसेस को आग के हवाले करने के साथ। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये जो तस्वीरें सब कुछ कहानी बयां कर रही है अपने आप में। जिस तरफ आप देख रहे हैं यहां पर रेलवे में आगजनी की गई और वहीं ये जो आप ट्रक देख रहे हैं किस तरह से इसको आग के हवाले कर दिया गया, ये जहानाबाद की तस्वीर है। और थोड़ा अगर आगे बढ़ लें तो सड़कों पर जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन किया गया, खासकर बिहार में कई जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको बताया कि सख्ती भी शुरू कर दी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई जिलों से 260 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो गई है और भी अभी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही कल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किस तरह से पुलिस चौकी को चपेटे में लेने की कोशिश थी, आगजनी करने की कोशिश थी, उस साजिश का भी नाकाम किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो सीएपीएफ असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल उम्र की छूट का भी ऐलान किया गया है, ये बड़ी खबर। अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में 5 साल की रियायत यानी कि छूट दी जाएगी, ये बड़ी बातें जो प्रमुख बिंदु है। अग्निवीर भर्ती के लिए भी इस बार 2 साल छूट मिलेगी। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है समझाने की और सरकार के मंत्री भी आगे आ रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, किसी भी मंत्री को उठा लें, आप सामने आ रहे हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ कदम। लेकिन आज देखिए, बिहार में आरजेडी बंद का ऐलान किया है। 3 तस्वीरों को अभी आप तक हम रख रहे हैं। नौकरी की जंग है, आज बिहार बंद है, जहानाबाद में हिंसा, भीड़ ने बस फूंक दी और आग लगा दी ट्रक में, ट्रक जलकर खाक, आज बिहार बंद, ये 3 तस्वीरें लगातार। इस मामले में अगर बात करें तो उग्र प्रदर्शन जारी है। छात्रों को समझना होगा कि उनको विरोध प्रकट करने का हक तो है, लेकिन शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें। देश की संपत्ति के साथ राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बात नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ आपका और हमारा नुकसान है और देश का नुकसान है। कल अश्विनी वैष्णव की बात करें, रेलवे मिनिस्टर, वो भी छात्रों से, युवाओं से अपील कर चुके हैं कि किसी के बहकावे में ना आएं और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, अलग अलग विभिन्न जगहों से अलग अलग तारीख में, अभी 17 जून आज की बात करें तो आज क्या कुछ हो रहा है, कहां पर, नालंदा दानापुर, ये 17 जून आज की तस्वीर है, सुबह सवेरे की किस तरह से ये हिंसा की तस्वीर हुई, देखिए जरा। अग्निपथ के नाम पर अब तक 12 ट्रेन जलकर खाक, करोड़ों अरबों का नुकसान। तो देखिए ये 12 तस्वीरें 12 कैमरों के जरिए आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। अब वक्त है अपडेट हासिल करने का, हम सीधा रुख करते हैं बिहार का, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अभी बिहार में ही हुआ है। पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बोगियों में आग लगा दी गई, बहुत मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा। क्योंकि देखिए, रेलवे में अगर कई सारी अगर बातें करें तो इसमें कई सारी ट्रेन रद्द हैं, कुछ आंशिक तौर पर, कोई स्थायी तौर पर, और कुछ रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। सुजीत झा का हम रुख करेंगे, बिहार से हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुजीत, अभी क्या अपडेट है, क्या हालात है, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है, हिंसा की तस्वीरें लगातार वो आ रही है सामने। आज कहां कहां पर आपने आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सुनी हैं, अपडेट करें दर्शकों को। देखिए, आज छात्र संगठनों का बिहार बंद है, जिसका राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है, आरजेडी ने समर्थन किया है, एनडीए में जो शामिल है हम पार्टी, उसने भी समर्थन किया है, पप्पू यादव की पार्टी ने भी किया है। तो ये बंद का असर यूं कहें तो पटना में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ जगह से छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं, जैसे कि जहानाबाद के टेहटा में, जो थाना टेहटा थाना में के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी, ट्रक और बस, उसमें आग लगा दी गई, और सुपौल में रोड जाम किया गया है। बहुत जगह छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह की व्यापक हिंसा कल हुई थी और जिस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया था, उस तरीके का अभी तक नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल जो नुकसान हुआ उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो ढिलाई थी, प्रशासन ने
जो सख्ती नहीं पेश की उसकी वजह से जो घटनाएं घटी आज उसको उस चूक को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सुजीत, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी हिंसा आगजनी तोड़फोड़ हुई, यहां पर गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो चुका है और 250 से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या बिहार से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी कोई सूचना है? देखिए लगातार बिहार से कल से मैं देख रहा हूं कि लगातार गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम तक 150 से करीब में था और आज भी करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग जहानाबाद में गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कई शहरों में 144 लागू कर दिया गया है ताकि किसी तरह का बवाल ना हो और इस सब को रोकने के लिए अब प्रशासन एक तरह से हम कह सकते हैं कि नींद से जागा है। पिछले 3 दिन तक, आज चौथा दिन है, ये 3 दिनों से लगातार हिंसा हो रही थी और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था वो रेलवे को हो रहा था। दानापुर रेल मंडल के जो DRM है प्रभात कुमार, उन्होंने कल बताया कि 226 करोड़ का नुकसान अकेले दानापुर रेल मंडल में हुआ है। 60 से ज्यादा बोगियां जला दी गई, 7 इंजन जला दिए गए। तो और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि केवल रेलवे का नहीं, जो आम पब्लिक है उसका भी काफी नुकसान कल किया गया और गाड़ियां जला दी गई, दुकानें लूट ली गई, बहुत सारी चीजें हुई। जैसा लग रहा था कि तो कानून व्यवस्था की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आज स्थिति अलग है और हर जगह पुलिस तैनात है। 10 कंपनी जो पारा मिलिट्री की है वो पूरे बिहार में तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ है यहाँ पर और उसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है, बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तोड़फोड़ और आगजनी अभी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और आप हमारे साथ बने रहे, आपका रुख दोबारा करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। लेकिन बिहार के आरा में पिछले 2 दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और रेलगाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई और वहां पर जो चौकी होते हैं उनमें भी आगजनी की गई और लूटपाट की भी वारदात आई। किस तरह से आरा में हिंसा हुई आपको हम दिखाते हैं, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता रोहित सिंह की एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। अग्निपथ आंदोलन को लेकर पिछले 3 दिनों से बिहार जल रहा है और आज बिहार बंद का आह्वान कई छात्र संगठनों ने किया है, जिसको RJD और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने समर्थन भी दिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में, जो कि बिहार में जो आंदोलन है उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। कई सारी ट्रेनें यहाँ जलाई गई हैं और जिसको लेकर जबरदस्त जो है हिंसा आरा में देखने को मिली है। और आज बिहार बंद को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने आज मुस्तैदी दिखाई है और ज़मीन पर हम देख रहे हैं ज़्यादा संख्या में पुलिस बल जो है वो लगाए गए हैं और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इलाके की। इस वक्त हम आरा रेलवे स्टेशन पर हैं, यहीं पर ज़बरदस्त पत्थरबाजी जो है वो देखने को पिछले 2 दिनों से मिली थी, जब उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था रेलवे स्टेशन पर और भारी जो है उत्पात यहाँ पर मचाया था। तो इसको लेकर प्रशासन आज यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ SDM साहब है यहाँ, ज्योति जी से उनसे बात कर लेते हैं। SDM साहब, आज कैसे हालात हैं, आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है? हम लोग सभी जगह पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हुए हैं, जितने भी हमारे स्टेशन हैं प्लस जितने भी चौक चौराहे हैं सभी जगहों पे, और हम लोग लगातार गश्ती पे हैं। 5 बजे भोर से ही DM साहब, SP साहब और हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। सभी जगह मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि ये परिसंपत्ति आपकी है, आप अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, कृपया इन संपत्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, कोई वायलेंस का रास्ता आप अख्तियार नहीं करें। इंटरनेट सेवा को लेकर क्या है यहाँ पे? इंटरनेट तो बंद है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम है, इसके अलावा जो नॉर्मल कॉल्स हैं वो चालू हैं। आज जो है ज़बरदस्त तैयारी जो है प्रशासन के तरफ से की गई है, हालांकि पिछले 3 दिनों में जो है उतने ज़्यादा पुलिस बल जो है वो ज़मीन पर जो है ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारी हिंसा जो है खासकर आरा में देखने को मिली है उसके बाद आज बिहार बंद के मद्देनज़र आरा में ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको यहाँ लग किया गया है, ताकि आज कोई भी उपद्रवी जो है कुछ ऐसी घटना को अंजाम ना दे पाए, जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से लगातार देखते चले आ रहे हैं।
और ये तब हालात है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, तमाम सरकार के जो मंत्री हैं सामने आकर अपील कर रहे हैं लोगों से, और तीनों सेना प्रमुख भी सामने आकर अपील कर रहे हैं कि देखिए शांति कायम रखिए, भरोसा रखिए, ये सब कुछ आपके भविष्य के लिए हो रहा है, यानी कि बेहतरी के लिए हो रहा है। देखिए अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध की जो आग धधक रही है, केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों का ऐलान तो किया है लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। अब आगे विरोध प्रदर्शनों का लंबा चौड़ा प्लान भी पहले ही तैयार हो चुका है। इस बीच आज रक्षा मंत्री आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी रहने वाली है। कहना मुश्किल है कि यह आग कैसे बुझेगी। सरकार जो समझा रही है वो युवा समझ पाएंगे या फिर युवाओं के मन की बात सरकार समझेगी। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद सिर्फ तीन दिनों में जिस तरह से विरोध की आग भड़की है उससे ये तो कतई नहीं लगता है कि युवाओं का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। आज चौथे दिन विरोध की शुरुआत सुबह सुबह बिहार के जहानाबाद से हो गई। युवाओं की भीड़ ने सड़क पर खड़ी एक बस को आग के हवाले कर दिया। इस आग में आज से सियासी पेट्रोल भी खुलकर पड़ने वाला है। अग्निपथ के खिलाफ सबसे ज्यादा बवाल वाले राज्य बिहार में आज विपक्षी पार्टी आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है। एनडीए की सहयोगी जितेंद्र राम मांझी की पार्टी ने भी बंद को समर्थन दिया है। हालात को देखते हुए बिहार के 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों ने 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। देश के अंदर तानाशाही के जो रवैया, इस देश की सरकार सभी संवैधानिक ताकतों से देश के छात्रों, जवानों, किसानों को परेशान करने पर तुली है। सर समस्या ये है, अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है। युवाओं के साथ एक छल है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। इसी हंगामे और अफरा तफरी के माहौल में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक अहम बैठक करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की बैठक है। बैठक में तीनों सेना प्रमुखों के साथ वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि खुद राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने कल ही अग्निपथ योजना को फायदेमंद बताते हुए युवाओं से शांति की अपील की थी। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही। सरकार की कोशिश है कि अग्निपथ योजना को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और गलतफहमी मिटाई जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू करनी है। लेकिन भर्ती के उम्मीदवार जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं देखकर लगता नहीं है कि लोग भर्ती मैदानों का रुख करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी सब कुछ हुआ और पुलिस को भी निशाना बनाया गया, बहुत नुकसान पहुंचाया गया। चलिए अब रुक करते हैं बिहार के आरा का। आरा में भी काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, आपसे सीधा जानना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरकार के नुमाइंदे आगे आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग और युवा जो छात्र हैं वो समझने को राजी नहीं है। किस तरह के अभी शहर में हालात हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कल नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे कि संपत्तियों को फूंका गया, आज किस तरह के हालत? आज
आशुतोष, बिल्कुल, तीन दिनों से पूरे देश ने देखा है किस तरीके से बिहार जल रहा है। कई जिले में जो है वो आग की चपेट में है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, ट्रकों में आग लगाई जा रहा है। और आज जब बिहार बंद का आह्वान किया गया है छात्रों के द्वारा, और RJD और कांग्रेस और अन्य दलों ने भी जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इसका समर्थन किया है, तो प्रशासन जो है अब ज्यादा मुस्तैद आज नजर आ रहा है। कल ही हम लोगों ने देख लिया, बिहार बंद के शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी, क्योंकि सरकार को ये रिपोर्ट मिली, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था दुष्प्रचार, अफवाह फैलाने के लिए और गलत तरीके के मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों में और लोग और ज्यादा भड़के और हिंसा करें। तो इस पर रोक लगाने के लिए 12 जिलों में जो है वो इंटरनेट की सेवा जो है रोक दी गई है। आरा भी जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पिछले तीन दिनों से पूरे विरोध का बिहार में, वहां भी इंटरनेट सेवा बंद है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज्यादा पुलिस बल जो है। चलिए रोहित, आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर सरकार लगातार उपाय कर रही है, इसमें राहत देने की कोशिश हो रही है, और आज भी क्या कुछ हुआ है जरा आपको बता देते हैं। देखिए, इस साल भर्ती की उम्र 21 से बढ़ाकर 23 साल किया गया, यानी कि 2 साल आपको इसमें फायदा मिल रहा है। असम राइफल्स CAPF में आयु सीमा में भी 3 साल छूट, ये सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट है। अग्निवीरों को रियायत है, पहले बैच को राइफल CAPF में आयु सीमा छूट 5 साल बढ़ जाएगी। इस साल भर्ती की उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है। और इस खबर पर अपडेट हासिल करेंगे, आप सभी दर्शकों तक हम खबर को पहुंचाएंगे, क्योंकि कितनी महत्ता है इसको जरा समझिए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप बताइए दर्शकों को, जो लोग इस तरह से गुमराह हो रहे हैं या सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से सरकार ने रियायत दी है, कौन कौन सी वो बड़ी बातें? देखिए आशुतोष, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो युवा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतरे हैं, उनके लिए व्यवस्था किया जाए। गृह मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले इस तरीके का ऐलान किया गया है, और ये बताया गया है कि गृह मंत्रालय जो CAPF, इसके अलावा असम राइफल्स में जो भर्तियां होंगी उनको 10% के आसपास आरक्षण, जो कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की योजना पूरी करके आएंगे, उनको दिया जाएगा। यानी कि 10% आरक्षण की बात केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि CAPF और इसके अलावा असम राइफल में जिनकी भर्ती होगी, आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जिसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो पहले साल जिन लोगों की अग्निपथ योजना के तहत आएंगे उनको 5 साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हम तक अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। देखिए, राजनाथ सिंह खुद सामने आ चुके हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आ चुके हैं, तमाम जो सरकारी मंत्री हैं वो आगे आ चुके हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिकल है। अग्निपथ स्कीम में वो कौन सा फैक्टर है जो सेना में आने की चाहत रखने वाले युवाओं को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सेनाओं के प्रमुखों, सरकार में शामिल मंत्रियों, नेताओं और प्रवक्ताओं को ठीक ठीक समझ में आ गया है। सेना से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार का फैसला समझाने की कोशिश आर्मी चीफ मनोज पांडे, नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी लगातार कर रहे हैं। आक्रोश की स्थिति देखने के बाद सरकार ने तय किया है कि वो इस अग्निपथ पर चलने से पीछे नहीं हटेगी। ट्रेन की पटरियों पर पुशअप लगाने वाले युवाओं ने भी तय कर लिया है कि वो भी सपनों से मनमानी नहीं होने देंगे। अब सवाल यह है कि सेना के भविष्य के लिए जरूरी क्या है। सेना को एक ऐसा सैनिक चाहिए जो परिवार को देश और सेना के भरोसे छोड़कर 15 साल तक देश के लिए जान देने का जज्बा लेकर आता है, या फिर वो जो 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, 3-4 महीने की छुट्टियां और फिर मात्र 3 साल की नौकरी करके 11 लाख घर ले जाने के मकसद से आए। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। सरकार का पैसा बचाने की चिंता तो समझी जा सकती है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन
अगर आपने पेंशन बचानी थी तो आप सिर्फ सेना से क्यों एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हो? सैनिक की पेंशन तो हर सरकारी कर्मचारी की पेंशन से कम होती है। दुनिया के कई देशों में सेना में कॉन्ट्रैक्ट या अनिवार्य सेवाएं देने की बंदिशें हैं। हालांकि ऐसे कम ही देश हैं जहां जल्दी सेवानिवृत्ति की बाध्यता है। ऐसे में कमिटमेंट का सवाल भी उठ रहा है और इस पर बहस हो रही है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें। युवक केवल 4 साल के लिए आ रहा है और उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 4 साल के बाद में क्या वो फौज में रिटेन होगा या नहीं होगा, क्या उसके जीवन में सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी आएगी, क्या वो अपने परिवार को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्या उसको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे उसके माध्यम से उसको कोई नौकरी मिलेगी, क्या ये सरकार की जो आश्वासन है किस कितनी हद तक खड़े होंगे, ये चिंताएं उसको बहुत सताएंगी। सेना में भर्ती के लिए दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं के लिए सेना एक पंथ तीन काज जैसा है। ये एक नौकरी भी है, देश सेवा भी और रिटायरमेंट के बाद सम्मान पाने का जरिया भी। ये सच्चाई है कि सेना की नौकरी कोई नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा है, लेकिन इस देश सेवा के साथ आर्थिक पहलू और भविष्य की चिंता भी जुड़े हुए हैं। अग्निपथ से गुजरकर अग्निवीर बनने वाले युवाओं को पूरी बात समझाना अपने आप में अग्निपथ है। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। आने समय पर 100% जो परमानेंट भी जो हमारे सोल्जर्स होंगे वो अग्निवीर के सिलेक्शन के थ्रू ही जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे रेजिमेंट्स और पल्टन के जो हमारे ड्रिल्स हैं उसमें बहुत जल्दी सब घुल मिल जाएंगे और टास्क और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस सबसे आगे है। किस तरह से उस ऑपरेशन को सही अंजाम देना है वो अग्निवीर और हमारे एक्सपीरियंस सोल्जर मिलजुल कर टास्क करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं को चिंता है उनके करियर की, उनके परिवार के भविष्य की, 24 साल की उम्र में रिटायरमेंट के तमगे की, और सेना के पूर्व अधिकारियों को चिंता इस बात की कि स्कीम सेना को किसी कॉरपोरेट की तरह कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती पर मजबूर करती है, जो सेना की परंपरागत मान्यताओं, भरोसे और देश के लिए मर मिटने के जज्बे को कमजोर बनाती है। आज तक की और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें, देखते रहें आज तक, लौट रहे हैं बेहद जल्द।